हेलो डबल ट्रिपल हेलो। अरे बस कर भाई। तो आज के इस माइनक्राफ्ट के वीडियो में हम लोग बहुत सारे मतलब बहुत 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 सारे मिथ्स देखने वाले हैं। मिथ्स जैसे हम लोग नेदर के अंदर पानी डाल सकते हैं, ऊपर से जंप मार के भी बच सकते हैं, ब्लू शिप को रेड कर सकते हैं, विलेजर को आर्मर पहना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इस माइनक्राफ्ट के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो तुमको तो पता ही है, लाइक 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 कर दो तुम लोग। तो आज के वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक पर 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर हमारा ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी लाइक कर दो ऐसा। तो चलते हम लोग माइनक्राफ्ट के मिथ्स की तरफ। 1.19.2 के बाद वाली जितने भी अपडेट में हम लोग फॉल डैमेज से मर ही नहीं सकते अगर हम लोग ने सही समय पे गेम को ऑफ कर दिया तो। मीन्स अगर हम लोग गिरते रहेंगे एंड हम लोग ने गेम को ऑफ कर दिया तो हम नहीं मरेंगे। ट्राई करते इस मिथ को। तो ओके, मैं आ चुका हूँ मरने के लिए माइनक्राफ्ट के अंदर। तो मुझे फॉल डैमेज चाहिए, तो मैं पहले जमीन पे ड्रिप स्टोन लगाऊंगा अच्छे से मरने के लिए। मरना है तो शांत से। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रिप स्टोन लगा दूंगा जिससे मुझे ज्यादा डैमेज पड़े फॉल डैमेज। तो अब चलते हैं आसमान पर। सो ओके, तो हम लोग आ चुके हैं आसमान की ऊंचाई पे मरने के लिए। तो यहाँ से हम लोग फॉल डैमेज लेंगे एंड बीच में गेम को बंद कर देंगे एंड देखते हैं हमें डैमेज पड़ता है कि नहीं। तो उसके लिए पहले सर्वाइवल में आ जाते हैं। 3, 2, 1, go! ओके 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 ओके। अब देखते हैं, अब बाहर जाते गेम के। ओके, मैं गेम के बाहर आ चुका हूँ एंड वापस से हम लोग वर्ल्ड को ज्वाइन करते हैं। हो जा। ब्रो, यहाँ पे मेरे को थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ, तुम लोग देख सकते हो। थोड़ी सी भी हेल्थ, थोड़ी सा भी हार्ट नहीं गए भाई मेरे। तो इसी तरह से ये मिथ कंफर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट मिथ पे। देखो, अपने माइनक्राफ्ट में जो इवोकर्स होते हैं भाई, वो जादू टोना करने वाले, उन लोग ब्लू कलर के शिप को रेड कलर में बदल देते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मेरे को भी नहीं हो रहा है। आ जाओ ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट मिथ के लिए हम लोग को बहुत सारे शिप को ले लेना है। टंग 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 टंग। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मेरे को एडिटिंग में साउंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं मुंह से ही एडिटिंग करूंगा। तो मैंने बहुत सारी शिप्स ले ली है एंड हम लोग को शिप्स को ब्लू कलर का डाई कर देना है, मतलब नीला नीला कर देना है, जादू बना देना है। तो लेट्स गो। टंग 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 टंग। भाई ये कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई ये शिप्स के, मतलब शिप्स से ज्यादा तो उनके बच्चे दिख रहे मुझे। ओके, तो यहाँ पे सारे शिप्स नीले नीले हो चुके हैं। तो अभी इवोकर को लाते हैं, देखते हैं लोग ब्लू से रेड होते हैं कि नहीं। लेट्स गो। वो एक हो गया, एक एक रेड हो चुका है, एक और रेड हो गया। ये देखो ब्लू से रेड। भाई ये धीरे धीरे सारे के सारे ब्लू शिप्स रेड होते जा रहे हैं। ब्रो 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 ब्रो, ये मिथ कंफर्म है, ये मिथ 100% कंफर्म है भाई। इवोकर को भाई नीले कलर पसंद नहीं है, ये क्या बात है, काले लोग को नीला पसंद नहीं है। हार्मिंग पोशन से हम लोग सारे मॉब्स को मार सकते हैं, स्पाइडर को मार सकते हैं, सबको मार सकते हैं, पर हम लोग जोम्बी को हार्मिंग पोशन से नहीं मार सकते। मीन्स वो हील हो जाता है हार्मिंग पोशन से, वो मरता नहीं है। इसको ट्राई करते, क्या ये मिथ कंफर्म है या बस्टेड है। ये मिथ करने के लिए हम लोग को पोशन ऑफ हार्मिंग चाहिए रहेगा। तो ये हमारे पास आ चुका है पोशन ऑफ हार्मिंग, मीन्स इससे हम लोग सबको हार्म कर सकते हैं। जैसे ये शिप को हार्म करके मार सकते हैं, अबे इवोकर को मार सकते हैं, ये घोड़े को मार सकते हैं, मुर्गी को मार सकते हैं, अबे ये शेर को भी मार सकते हैं हम लोग, शेर को भी मार दिए, मीन्स सबको मार सकते हैं, ये तोते को भी। पर एक ऐसी चीज है हमारे माइनक्राफ्ट में, एक ऐसा प्राणी है जिसे हम नहीं मार सकते पोशन ऑफ हार्मिंग से, वो है ज़ॉम्बी। आ जाओ ट्राई करते भाई ज़ॉम्बी को मार सकते कि नहीं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने ज़ॉम्बी स्पॉन कर दिए। ओ भाई कितने सारे बच्चे स्पॉन हो गए भाई, मुझे हर जगह पे बच्चे ही दिख रहे हैं। क्या मतलब, मैं खुद एक बच्चा ही हूँ। अभी हम इन्हें मौत देने वाले हैं, देखते ये हार्मिंग से हार्म होते कि नहीं। व्हाट ब्रो, इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो उल्टा ही लोग हील हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तुम लोग देख सकते हो ये लोग मर ही नहीं रहे। तो ये मिथ कंफर्म होता है, मतलब अगर ये हार्मिंग के पोशन से हील हो रहे हैं तो हीलिंग के पोशन से क्या होते रहेंगे। ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे हीलिंग का पोशन ले लिया हूँ, अब देखते हैं इन्हें हीलिंग के पोशन से डैमेज पड़ता है कि नहीं।
ये देखो, अबे इन्हें तो हीलिंग के पोशन से डैमेज हो रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ब्रो ये क्या है? मींस हार्मिंग के पोशन से हीलिंग हो रहा है एंड हीलिंग के पोशन से हार्मिंग हो रहा है। आपका लॉजिक तो भाई कमाल का है। तो ये मिथ कंफर्म होता है एंड बहुत तेरा मेरा मिथ था। तो चलते हैं दूसरे तीसरे मिथ की तरफ, चौथे मिथ की तरफ। अपना डिस्पेंसर जो है वो भाई ब्लॉक प्लेस नहीं कर सकता है, ब्लॉक को फेंक सकता है, ब्लॉक प्लेस नहीं कर सकता है, पर वो गोलम को बना सकता है। जिसमें ब्लॉक प्लेस करना होता है वो वीदर को बना सकता है, वो स्नो गोलम को बना सकता है। आ जाओ ट्राई करते हैं इसको। तो हम लोग को डिस्पेंसर ले लेना है इसके लिए एंड उसको क्या बोलते हैं, ब्रश नहीं लीवर, लीवर लेना है लीवर। मीन्स मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी चीज डालते हैं एंड लीवर प्लेस कर दिया तो ये लकड़ियां फेंकता है बाहर, ना कि प्लेस करता है लकड़ियों को। लकड़ियां प्लेस करना मतलब ऐसा, पर ये स्नो गोलम को बना सकता है, स्नो गोलम के हेड में ये हेड प्लेस कर सकता है। आजा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पंपकिन का हेड डाल दिया एंड स्नो गोलम को तैयार करके देखते हैं। ये देखो अभी तुम लोग जादू देखो, ये देखो स्नो गोलम बन जाएगा, जादू देखो भाई। भाई ये तो शुरू होते ही मर गया, पर ये मिथ कंफर्म हो रहा है। मींस ये ब्लॉक प्लेस कर रहा है, क्या इससे हम लोग आयरन गोलम बना सकते हैं? लेट्स डू इट, जादू हो जा। ब्रो आयरन गोलम भी तैयार हो गया, पर भाई तुझे डैमेज क्यों हो रहा है? पर ये तैयार हो गया भाई। तो ये मिथ कंफर्म होता है। तुम लोग को पता रहेगा कैक्टस के अंदर हम लोग कोई भी सामान डालते हैं तो वो भाई सामान कभी वापस ही नहीं आता, वो सामान खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो ये कैक्टस का भाई है एनविल, जिसके नीचे कोई भी अगर सामान डालोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एनविल भी कैक्टस की तरह काम कर सकता है, सामान डिस्ट्रॉय कर सकता है। आ जाओ ट्राई करते इस मिथ को। जैसे मैं कैक्टस के अंदर अपना आर्मर डालता हूँ, गायब हो गया। अपनी शॉट डालता हूँ, वो भी गायब हो गया। मैं काम करता हूँ सैंड को डाल देता हूँ, ब्रो गायब हो गए, सब कुछ खा जाता है ये। एंड ये ऐसा ही काम हमारा एनविल भी करता है अगर उसको चार ब्लॉक के ऊपर से गिराया जाए तो। आ जाओ ट्राई करते हैं उसे। एक दो तीन चार पांच, पांच ब्लॉक्स। एंड मैं नीचे बहुत ही ज्यादा खुफिया चीजें रखूंगा, मीन्स सब नेदरराइट गोल्ड ये रखूंगा, देखते क्या होता है। पांक, पांक, ओके, पांक, पांक। तो यहाँ पे मैंने अमीर अमीर चीजें रख दी है एंड ऊपर से एनविल गिराते। आ जाओ देखते गायब होता है कि नहीं। ब्रो कुछ भी नहीं हुआ, रुको मैं थोड़ा और ऊपर से गिरा हूं तो। नो ब्रो भाई ये कुछ भी नहीं हुआ, ये तो हुआ ही नहीं। अबे ये तो नकली था, हमारी कोई भी चीज गायब नहीं होती भाई। तो ये मिथ बस्टेड है, ये मिथ बस्टेड है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। माइनक्राफ्ट में एक खतरनाक मॉब है जिसका नाम है विंडिकेटर, और भाई विंडिकेटर सारे विलेजर्स को मार देता है जब भी विलेजर्स को देखता है, पर वो प्यारे प्यारे छोटे छोटे विलेजर्स के बच्चों को नहीं मारता भाई। मतलब इतना अच्छा इतना दिल वाला इंसान है, ये बच्चे लोग को नहीं मारता, सिर्फ बड़े लोग को मारता है। पर अगर हम लोग ने उसको जॉनी नाम का नेम टैग दे दिया तो वो बच्चों को भी मारता है, मतलब जो मिले सबको मारता है। आ जाओ ट्राई करते हैं स्मिथ को। तो स्मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग को विंडिकेटर चाहिए रहेंगे। ओके विंडिकेटर एंड विलेजर्स, देखो ये है छोटू विलेजर और यहाँ पे सब बड़े बड़े विलेजर है। आ जाओ विंडिकेटर को स्पॉन करते हैं। अबे छोटू भाग क्यों रहा है इतना, रुक जाओ छोटू को कैद कर लेते। Six and a half hours late. यहाँ पे एक बड़ा आदमी एक छोटा बच्चा है, अब डालते विंडिकेटर को, देखते ये छोटे बच्चे को मारता है कि नहीं। ओ, ओ, भाई प्यार देखो दोनों में, ये छोटे बच्चे को नहीं मार रहा है, नहीं मार रहा है, ओके गुड। अगर इसका नेम टैग हम लोग जॉनी दे दे तो ये छोटे बच्चे को मारेगा, देखते हैं ट्राई करके। तो ये ले लिया हम लोग ने एनविल को, इसमें डालते हैं नेम टैग, ओके जॉनी लिख दिया, लेट्स गो। अब देखते हैं ये बच्चे को मारेगा कि नहीं, लेट्स गो। पंक डाल तो दिया मैंने जॉनी, अरे जॉनी, अरे जॉनी भाव, बच्चों को कोई नहीं मारता, बच्चे सेफ है माइनक्राफ्ट में। मिथ बस्टेड भाई, मिथ बस्टेड हो गया भाई। तुम लोग ने दो टाइप के काउस देखे रहेंगे, एक अपना नॉर्मल काउ और एक रेड कलर का मशरूम काउ, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है।
पर माइनक्राफ्ट में एक तीसरा काउ भी है, ब्राउन काउ। हाँ मतलब गोल्डन ब्राउन दोनों मिक्स है, इसको क्या बोलते है पता नहीं, पर ये कैसी काउ है, तीसरी काउ। अगर हम लोग मशरूम काउ को ट्राइडेंट से बारिश में मारते हैं एंड मशरूम काउ के ऊपर बिजली गिरती है तो वो गोल्डन ब्राउन काउ में तब्दील हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है भाई उसका। आ जाओ ट्राई करते इस मिथ को। तो ये है हमारी सिंपल गाय, ये है मशरूम वाली गाय। अब देखते हैं तीसरी गाय आती है कि नहीं। तो वेदर को चेंज कर दो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ओके अब तू मरने वाली है। अबे मुझे लगा था कि गोल्डन काउ आएगी, पर ये तो है ही नहीं, ये भी मिथ बस्टेड है। हम लोग एक विलेजर को पूरा का पूरा आर्मर पहना सकते हैं, लिटरली में आर्मर पहना सकते हैं। देखते भाई ये मिथ वर्क करता है कि नहीं हमारे माइनक्राफ्ट में। चलो चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए रहेगा ग्लास, एक डिस्पेंसर, पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर एंड इसके अंदर एक विलेजर को डालना है, बंद कर देना है। भाई अब तू कैदी हो चुका है एंड अभी देखते हैं क्या ये आर्मर पहनता है, क्या विलेजर आर्मर पहन सकता है। लेट्स गो ब्रो। एक दो तीन चार, भाई मैंने पहना दिया है आर्मर पहना दिया है। पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक नॉर्मल विलेजर कितना डैमेज ले सकता है। आ जाओ, एक दो तीन, तीन फटके का। अब देखते हैं ये विलेजर आर्मर पहना हुआ विलेजर कितने का डैमेज देता है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अबे रुक जा, अबे रुक भाई, सुसाइड कर लेगा क्या। नौ दस ग्यारह, और इसके पास से आर्मर भी निकले, मींस इसने आर्मर पहना था, तो ये मिथ भी कंफर्म होता है। तो भाई बहुत सारे मिथ कंफर्म निकल गए, मजा आ गया। तो यहाँ पे हमारा मिथ बस्टेड पूरा होता है एंड मिलते किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।